नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज एक नई वीडियो फिर से लेके आए हैं फतेह बाइक की, गायों की। बाइक का खरीद बेच का काम है, गाय और भैंसे बाइक खरीद बेच करते हैं। सामने क्वालिटी देखें आप, काफ़ी बढ़िया काफ़ी शानदार क्वालिटी है। पता करेंगे भाई के पास आज मंडी डब्बावाली में कितनी गायें हैं बिक्री के लिए या सेल की है, भाई ने सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। चैनल पर पशुओं से संबंधित ही वीडियो समय समय पर डालते रहते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्त मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर वीडियो को आप शेयर जरूर कर दें। पशु जहाँ से भी खरीदें दो टाइम मिल्किंग करें, रेट की बार्गेनिंग करें, तभी आप पशु खरीदें। तो करते हैं भाई से पता गायों का जो मोल भाव है मौके पे क्या चल रहा है, इससे आपको जो अनुमान लग जाएगा अगर आपने गाय खरीदनी हो तो। अभी फतेह भाई के पास चार गाय हैं, भाई ने बताया अभी चार गाय हैं बिक्री के लिए हैं, तो इनकी डिटेल पता करेंगे भाई से। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर जी। भाई साहब अपना फोन नंबर। फोन नंबर सर मेरा 7681947977 सर। डेयरी फार्म की लोकेशन और बता। लोकेशन सर मंडी डब वाली प्रॉपर लोकेशन है, 2 किलोमीटर दूरी पे फार्म है सर हमारा। अच्छा, अपने यहाँ कितनी गाय और कितनी भैंसे रखते हो? सर जी मैक्सिमम हमारे पास गाय मिल जाएंगे आपको 10-15, जो मिनिमम गाय की काउंटिंग रहती है वो 7-8 से शुरू हो जाती है सर। अच्छा, हाँ जी सर। रेट की बात करें तो किस रेट से? सर 70-80 हज़ार से शुरू होकर 1-1.5 लाख 2 लाख तक गाय मिल जाएंगी हमारे पास। मान लो कस्टमर की डिमांड पे है, वो तो डिमांड के ऊपर है सर। एक मैं अपने कस्टमर भाइयों का बहुत तहे दिल से अपना धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो इतना प्यार दे रहे हैं आपके चैनल के थ्रू सर, इतना रिस्पांस मिल रहा है। ठीक है भाई, मेरे पास वर्ड्स नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए सर, किन शब्दों में मैं किसान भाइयों का धन्यवाद करूं जो आज इस लेवल पे हमें पहुंचा दिया है सर किसान भाइयों ने। हाँ जी सर, क्योंकि एक छोटी लाइन से चले थे सर, आज इतने बड़े लेवल पे पहुंच चुके हैं कि आज एक बहुत से किसान भाई आ रहे हैं अदर स्टेट के, नॉलेज लेते हैं सर हमसे डेयरी फार्म ओपन करने बारे में। पहले तो बहुत मन को सुकून मिलता है सर कि आज इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि कस्टमर भाइयों को नॉलेज दे सकते हैं। जितनी सी नॉलेज हमें होती है ना, हमारी कोशिश यही रहती है कि हम उनको नॉलेज प्रोवाइड करवा सके सर। सही बात है भाई। हाँ जी सर, क्योंकि नॉलेज बांटने से हमारा ऐसे नहीं हमारा कुछ लॉस चला जाएगा, किसी का भला होता है हमारे लिए इतनी सेटिस्फेक्शन है सर। ठीक है, हाँ जी सर। तो भाई जैसे पशुओं के बारे में डेयरी के बारे में अगर किसी भाई ने कोई नॉलेज लेनी होगी तो आपसे संपर्क कर लेंगे? कोई भी भाई संपर्क कर ले हमसे सर, ऑल टाइम हमारा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, कोई भी भाई बेझिझक होकर फोन करे। एक मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा, कई भाई ना सर जब गाय प्रेग्नेंट होती है ना तब उसको कैल्शियम पिला देते हैं सर, वो कैल्शियम आप मत पिलाएं। जो कैल्शियम जो आपने पिलाना है ना वो डिलीवरी के बाद में पिलाएं। अच्छा, कैल्शियम पहले डिलीवरी के आप पिलाते हो ना सर, गाय को मिल्क फीवर आ जाता है, उसका फायदा नहीं है। अच्छा, गाय बैठ जाती है। ठीक है, ये भाइयों की बहुत कंप्लेंट आ रही थी कि भाई साहब क्या मेरे पास आई थी कि भाई हमने कैल्शियम पिला दिया। कैल्शियम आप डिलीवरी के पहले मत पिलाएं, डिलीवरी के बाद कैल्शियम पिलाएं उसको, अच्छे एक ब्रांड का। अच्छा, जो गाय पहले पिला देते हैं वो गाय बैठ जाती है, मिल्क फीवर आ जाता है। इन बातों का ध्यान रखें क्योंकि ये पैसा है, जानवर पे पैसा लगता है, लैक ऑफ नॉलेज के कारण किसान भाई गलती कर देते हैं। कोई आपको बात की समझ नहीं लगती तो मेरे से फोन पे आप बात कर लिया करिए। ठीक है, आपने कोई मेडिसिन देनी है मेरे से पूछ के आप दे जा करिए। ऐसे ऐसे नहीं कि किसी ने बता दिया तो गाय को मेडिसिन दे दी, उसके साइड इफेक्ट बहुत चले जाते हैं सर। ठीक है, हाँ जी सर, कुछ कुछ बातों का ध्यान रखे कस्टमर भाई, और मैं बैठा हूँ आपको बताने के लिए। एक थोड़ी सी दिक्कत आती है रिपीट ब्रीडिंग की। ठीक है, रिपीट ब्रीडिंग की हमारी गाय रिपीट बहुत होती है, वो क्यों कारण होती है सर? एक तो आपको सही पता नहीं होता आपकी गाय हीट में कब है। आपकी जब मान के चलो गाय आपकी फार्म पे आपको पता लगे कि गाय गाभिन है, आपका पहले ये मोटिव होना चाहिए कि हमने हर एक साल एक गाय से बच्चा लेना है। जैसे ये गाय प्रेग्नेंट है जी, आपको चाहिए कि मैंने एक बच्चा एक गाय से हर साल लेना है, तभी आपका डेयरी फार्म आगे सक्सेसफुल चला जाएगा। ठीक है, दूसरी बात जब आपकी गाय रिपीट होती है ना सर, वो थोड़े से सिम्टम देती है आपको, वो ध्यान करने की बात है। ये नहीं कि उसने तार फेंक दी तो गाय हीट में है, वो तो कभी कभार ऐसे भी फेंक देती है। कई कस्टमर भाई कोई गायें जब हीट में होती है सर, वो जब आपके पास मान के चलो 10 गायें हैं फार्म पे, 9 गायें खाना खा रही है, जो गाय हीट में होगी वो खाना नहीं खाएगी, वो अलग दूर रहेगी, वो थोड़ा सा तनाव में रहेगी गाय, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन रहेगा, गायों के ऊपर चढ़ेगी। इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखें आप। ठीक है, और दूसरी बात कस्टमर गायें गाभिन होती है
दो बार ये यही करवा देते हैं कि गायें आपकी गाभन है एक महीने की, आप फिर से आपको पता नहीं होता, कभी कभार ऐसे बोल देते खा लिए गए, आप दो बार ये यही करवा देते, वो उसका रिजल्ट क्या रहता है, वो 8 महीने पे बच्चा फेंक देती है। अच्छा अच्छा, 8 महीने पे बच्चा फेंक देती है। क्यों फेंकती है? क्योंकि आप गाय आपकी गाभन होती है फिर भी एआई करवा रहे हो उसकी। हाँ हाँ हाँ। 1 महीने की गाभन होती है आप एआई करवा देते हो उसकी फिर से, तब जाके बच्चा फेंक देती है गाय। इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखें। अब अगर आपकी गाय रिपीट हो रही है तो मेरे से आप कॉन्टेक्ट कर लें, आपको सही बता देंगे कब जाके इसकी एआई करवानी है अपने, कि आपकी गाय बच्चा टिकेगी उसके ऊपर। ठीक है। हाँ जी सर, बाकी कोई जानकारी लेनी हुई तो फोन पे आपसे मेरे पे कर ले सर। वीडियो थोड़ी सी लंबी चली जाती है इसकी, इसके कारण थोड़ी सी जानकारी नहीं दे पा सकते। फार्म पे आओ, फार्म पे विजिट करो, बैठ के सारी आपको बातें बताएंगे सर। ठीक है, ठीक। हाँ जी सर, तो सबसे पहले कौन सी गाय चला के दिखाओगे? सर आप सबसे पहले यही गाय चलाएंगे, आपको ऑर्डर बता रहा है इसका ना सर, मान के चलो 7-8 किलो दूध निकाला हुआ है गाय का, अभी निकाल रखा है। हाँ, फिर भी आपको ऑर्डर बता रहा है गाय का, कितने दूध वाली, कितने दूध वाली गाय है जी। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पर आपको भाई ये गाय चला के दिखाएंगे, क्वालिटी के मामले में किसी भी तरह की आपको कमी दिखाई नहीं देगी। मंडी में सबसे बड़े अडर वाली गाय है, साफ सुथरा अडर है, हाइट लेंथ बढ़िया है, काफ़ी अच्छा दूध निकालेगी गाय। बाकी भाई से डिटेल पता करेंगे कौन से ब्यांत में है, कितना टाइम ब्याए हुए हुआ है और नस्ल कौन सी है, भाई इसका जो मोल है वो क्या मांग रहे हैं, सारी जानकारी लेंगे भाई से। आपको गाय बता रही है हाइट वजूद जी, बिल्कुल घुटनों के ऊपर अडर है जी, फिक्स अडर है, फॉरन टाइप अडर गाय ने तैयार किया, एबीएस जुपिटर की ये बछड़ी है जी जो आपको गाय दिखा रही है जी। पीछे भी इसने बछड़ी को जन्म दिया है सर, एबीएस डीजल की बछड़ी है ये बछड़ी है। हाँ, ये बछड़ी है, बछड़ी का हाइट चेक करो, अभी 3 दिन की बछड़ी और हाइट चेक करो बछड़ी की, कितनी बछड़ी ने हाइट मेंटेन की है। ऐसे ऐसे फार्मों से आप परचेज करोगे ना, फार्म आपको रिजल्ट देता है आगे, फार्म गाय आपको रिजल्ट देती है। गाय एक बार सर मिनिमम कस्टमर भाई कमेंट करें ये गाय कितना दूध देगी, ठीक है, आपको ऑर्डर बताएगा गाय का कितना दूध वाली है। मेरे हिसाब से तो अगर मेरे फार्म पे रहेगी तो मैं तो 35 से प्लस इससे मिल्किंग ले लूंगा सर। ठीक है, कस्टमर भाई बोलेंगे कि क्योंकि सर 35 लीटर बहुत हो जाता है दूध निकालना है। हाँ। पानी का बर्तन नहीं बढ़ता जब 35 लीटर का बर्तन हो, तो ये तो फिर भी जानवर है, इसने दूध देना है सर। बिल्कुल भाई, 38 से 40 लीटर के मिनिमम इसकी मिल्किंग रहेंगी जानवर की, आपको फार्म पे मिल्किंग करवा के दे देंगे। एक बार गायें दिखा दो आप, एबीएस जुपिटर की गायें हैं सर ये, सीमन लगा था 67 सीमन, बांध दो जी गाय को, एक बार नीचे से ऑर्डर दिखाना आप गाय का। नहीं, इसमें तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, साफ सुथरा ऑर्डर है इसका। तो गाय थी मंडी में जी जो हमने खरीदी है जी। अच्छा अच्छा, कस्टमर को सेल आउट दूध आप कितना मानते हो, कितना निकाल देगी गाय? सर जी दूध तो जी इसका 35 प्लस चलने वाला है। अच्छा, 40 लीटर की गारंटी पे ये देनी है जी। सेल के लिए है? सेल के लिए खरीदी है सर, कस्टमर यहाँ से खरीदी है, कस्टमर ने खरीदी है सर। अच्छा, हाँ जी सर, किस मोल भाव में? 1.45 की खरीदी है सर। 1.45? हाँ जी। अच्छा, सेल तो नहीं करनी? नहीं, सेल नहीं करनी सर, कस्टमर ने खरीदी है। अच्छा, मान लो ये जो भाई वीडियो देख रहे हैं उनको अनुमान लग जाएगा मौके पे क्या भाव चल रहे हैं, क्योंकि जो एक अच्छा ब्रांड लेवल का एनिमल है ना वो सर लाख से बाहर ही मिलेगा आपको। ये तो बात। हाँ जी सर, क्योंकि एक अच्छी ब्रीड पे पैसा लगता है। एक बार ऑर्डर दिखा दो आप गाय को, गाय बताएगी कि मैं कितने दूध वाली। ऐसी गायों पे पैसा लगाने को सर आदमी का दिल करता है सर। बिल्कुल, ऑर्डर देखना पिंक कट रहा है। बिल्कुल। तो दोस्तों क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, रेट भाई ने बता दिया है। मंडी से भाई के पास कस्टमर आए थे, उन्होंने खरीदी है, भाई का कहना है ये 5-5 उंगले सर गाय का ऑर्डर बाहर आ रहा है पीछे से सर। ये तो भाई दूसरे नंबर पर कौन सी चलाओगे गाय? दूसरे नंबर पे ये चला दो, चला दो सर, चला दो जी। दोस्तों दूसरे नंबर पर ये गाय है, ये गाय शायद प्रेगनेंट है, हाइट लेंथ मीडियम है, ऑर्डर काफ़ी लूज है, काफ़ी बड़ा ऑर्डर बनाएगी गाय। इसकी भी डिटेल भाई से पता करेंगे, दूध कितना निकाल देगी भाई, इसका जो मोल है वो क्या मांग रहे हैं, सारी जानकारी लेंगे भाई से। क्वालिटी आप चेक कर लें, क्वालिटी तो सभी बढ़िया है। चार गाय भाई आज वीडियो में दिखाएंगे, चारों की चारों काफ़ी शानदार है सर भाई। ये पैनी मेकर की है जी। हाँ, पैनी मेकर की थी खुद, पर आगे इसको सेक्सर सीमन लगा हुआ है। हाँ। सेक्सर सीमन लगा हुआ है इसको सर, चेक करना एक बार आप बछड़ी की क्वालिटी, चेक करना क्वालिटी बढ़िया भाई। क्वालिटी चेक करना एक बार, बिल्कुल ऐसे खरगोश जैसा बच्चा है सर। हाँ बिल्कुल भाई। तो भाई कितना दूध निकाल देगी? दूध तो सर अभी कच्ची है, एक बार लंबी चला दो जी, इसको दिखाता हूँ पीछे से मैं आपको। बिल्कुल सर, बरीकियाँ बहुत है गाय में, जो दूध देने वाली बरीकियाँ होती है ना सर। दूध 25 लीटर को टच करना है सर, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, 25 के आजू बाजू रहेगा, 25 से प्लस भी कर जाएगी, पर हमने 25 लीटर की गारंटी पर देना है। ये फार्म पे सेल के लिए अवेलेबल है, पैनी मेकर की खुद है, आगे सक्सर सीमन लगा हुआ है। अच्छा। इसको प्रेगनेंट है सर, गाय की क्वालिटी बता रही है मैं कौन सी। कितना टाइम बाकी है बहने में? अभी सर 10 दिन ले जाएगी सर। 10 दिन ले जाएगी। मोल भाव? मोल भाव तो इसका सर 90,000 मांग रहे हैं। डिमांड है?
बस देनी है लास्ट फाइनल आना है। तो दोस्तों क्वालिटी साफ सुथरी है, फेस क्वालिटी काफी बढ़िया है। ये भाई ने बताया है कि सेल के लिए उपलब्ध है, किसी भाई ने खरीदनी हो तो आप भाई से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों तीसरे नंबर पर ये गाय है, ये भी गाय शायद प्रेग्नेंट है, ले चलो सर। बिल्कुल सर, एकदम टाइट अंडर की गाय है, बिल्कुल टाइट अंडर लगा हुआ है गाय को सर। करेक्टर बता रहे हैं गाय का, लेग स्पोर्ट चेक करो आप नीचे से, बिल्कुल मशीनी चवाई वाले थन लगे हुए हैं सर। आप अडर देखना सर नीचे से, अडर देखना गाय का, टाइट अंडर की गाय है। वैसे तो पशुपालक भाइयों को मानना है कि गाय और भैंसों का जो टाइट अंडर होता है वो दूध काफी बढ़िया निकाल देती है जी। इसका ऐसे नहीं पता जी, फार्म पर जाके 30 लीटर दूध निकालते हैं। अच्छा अच्छा। क्योंकि जितना टाइट अंडर होगा, फार्म वाली जो गाय होती है ना सर, हाँ, वो टाइट अंडर की गाय होती है सर। इनकी सर एक तो सर इसको तुरने चलने में कोई दिक्कत नहीं आती जो फार्म वाली ब्रीड होती है जी। ऐसे ऐसे फार्म पे आप गाय रखोगे तो आपको रिजल्ट अच्छा देगी एक आगे सर। जो एक कस्टमर भाई आते हैं कि थोड़ा सा टूटा हुआ आर्डर, लटका हुआ आर्डर, वो सोचते हैं कि वो ज़्यादा दूध निकालेगा, नहीं वो दूध नहीं निकालेगा। एकदम टाइट अंडर की आप गाय परचेज करें, कहीं से भी करें, एकदम टाइट अंडर की भैंस परचेज करते हो, भैंस खरीदो, गाय चाहिए आपको गाय खरीदो एकदम टाइट अंडर की। ये जो बछड़ी है सर फर्स्ट टाइमर है, दो दांत है, मुँह से एक बार क्वालिटी चेक करवाना बछड़ी की, पूरी फुल वजन वजूद वाली हमारे पास गायें होती है सभी। एक बार क्वालिटी चेक करवाओ जी आप बछड़ी के, करीब जूम करना बछड़ी पे आप। बछड़ी बता रही है जी मैं कितने को दूध देने वाली हूँ जी, दो दांत है जी बछड़ी, अभी अभी तो अडर बनना शुरू किया है नीचे से जी। तो भाई कितना टाइम बताया बाकी है? एक हफ्ता या 10 दिन के मैक्सिमम ये ले जाएगी। दूध कितना? दूध सर नियर अबाउट इसको 25 लीटर के टच करेगी सर। ये मोल भाव? मोल भाव सर इसका 1.5 मांग रही है सर। डिमांड है? डिमांड है, जो नेगोशिएबल है ऑन फार्म। एक बार आप दिखाना, एक बार चेक करवाना, एक बार आकर फोन कर दे, हम कर दे, तू आ रही तू आ आगे आगे देख बहुत अच्छे से क्वालिटी चेक करवाना। ऐसी ऐसी गायें सर अगर फार्म में आप रखोगे तो रिजल्ट आपको आगे बढ़िया ही मिलना है सर। तो दोस्तों तीसरे नंबर वाली गाय है, इसकी डिटेल भाई ने बता दी है, टाइट अंडर की गाय है, काफ़ी बढ़िया आर्डर है, काफ़ी सुंदर आर्डर है, हाइट लेंथ बढ़िया है, मोल भाव भी भाई ने बता दिया है। किसी भाई ने इसी तरह की गाय खरीदनी हो तो आप भाई से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों चौथे नंबर पर ये गाय है, बिल्कुल ताज़ा ब्याई गाय है, आर्डर देखें आप, काफ़ी बड़ा आर्डर है, हाइट लेंथ मीडियम है, दूध बढ़िया निकालेगी गाय सर जी। फेस क्वालिटी आप देखें, कानों की जो लंबाई है वो इनकी कम होती है जो HF क्वालिटी की गाय होती है। प्रॉपर सर आप आर्डर क्वालिटी एक बार चेक कर लें नीचे से, प्रॉपर टैगिंग की हुई है सर, प्रॉपर टैगिंग की हुई है सर, फार्म से परचेज की है ये गाय। अच्छा हाँ जी। तो भाई कौन से ब्यांत में आई सर? सेकंड लैक्टेशन में गाय को लेके आओ पास में, पीछे ना स्नोमैन की सर बछड़ी है, जूम करना एक बार बछड़ी दिखाना आप, स्नोमैन की बछड़ी है सर, सेक्सर सीमन लगा हुआ। हमें तो सर जो सेक्सर सीमन हमें लगे होते हैं ना आगे, हमें तो फुल रिजल्ट मिलता है सर। कभी कभार एक आधा भाई बोल देता कि 2-3% गाय का चांस होता है कि बछड़ा दे दे, पर हमें तो जितने भी गायों को हमारे सेक्सर सीमन लगे सभी के बछड़ियाँ आती हैं सर। अच्छा अच्छा। उसका सर मैं तो यही कहूँगा, पैसे एक बार लग जाते हैं पर उसका स्कोप बहुत आगे, वो बछड़ी एक FD के तौर पे आपके ब्रीड तैयार हो रही है सर फार्म पे। हाँ। किसान भाई अगर आपकी गाय गाभिन भी करा दो सेक्सर सीमन से करवाया करो, ठीक है, कोई ऐसे नहीं कोई लंडू पंजू सीमन लगवा दिया करो। है। ये गाय देखो आप, प्रॉपर टैगिंग लगी हुई है सर, फार्म से परचेज की है, थोड़े से लंबी तोड़ो आप गाय को जी, अडर बताएगा गाय का जी मैं कितने दूध वाली हूँ, चल पता। ऐसे ऐसे फार्म पे आप गाय रखोगे देखना सर, अडर देखना एक बार, ये गाय बताती है सर डेनमार्क की गाय है सर, आगे सेक्सर सीमन लगा था स्नोमैन का, मिनिमम सर 35 लीटर प्लस मिल्किंग पे चलना है सर, मिनिमम 35 लीटर मिल्किंग देनी है इसने, निकाल देना चाहिए सर। दूध अडर बता रहा है कि मैं 40 लीटर वाली कहूँ क्योंकि बर्तन बहुत बड़ा है, मैं तो इसको बोलूँ ना 50 लीटर कह के भी सेल कर सकता हूँ सर, किसान भाई समझ भी जाएंगे कि 50 लीटर वाली है, पर मैं मिनिमम कह रहा हूँ ये 35 लीटर दूध देगी, 40 लीटर पे इसकी भी गारंटी पे देनी है सर। हाँ जी सर। तो मोल भाव? मोल भाव सर जो इसका है, हाँ या ना वाली बात कर दूं सर? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 1,32,000 की ये गाय दे देंगे, हाँ ना है? 1,32,000 की ये गाय दे देंगे क्योंकि गाय का सर वजन वजूद बहुत है, आपको गाय एक बार नजदीक से चेक करवाएंगे जी, एक बार बांध दो एक बार नीचे से आर्डर दिखा दो, एक चेक करवा दो जी, थन इक्वल गैप पे थन लगे हुए हैं जी,
आज ये सर चार गायें मंडी पे हम लाए थे सर, जिनमें से दो तो बिक्री हो चुकी हैं सर। अच्छा। जो एक पहले आपको दिखाई बड़े ऑर्डर वाली वो सेल की है और ये वाली गाय सर, ठीक है। ऐसी भी बाई किसी भी बाई ने ऐसी गाय हमसे खरीदनी हो, एनी टाइम हमारा फोन नंबर आ रहा है स्क्रीन पे, आप हमें कॉन्टेक्ट करें, टॉप टॉप ब्रीड की आपको गाय प्रोवाइड करवा देंगे सर, ठीक है। फोन नंबर एक बार और बता। फोन नंबर सर मेरा 7681947977, जो दूसरा मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9876707977, ये मेरा ऑप्शनल नंबर है। जो मेरा व्हाट्सएप एंड फोन नंबर है 7681947977। फतेह डेयरी फार्म मेरा डेयरी का नाम है सर, प्रॉपर जीएसटी नंबर आपको डेयरी का मिलेगा, क्योंकि कश्मीर भाइयों का जीएसटी चलता है सर उधर, प्रॉपर बिल का उनको मिलेगा रिकॉर्ड। एड्रेस जो मेरा मंडी डब वाली है सर, कभी भी किसान भाई हमारी डेयरी पे विजिट करता है उसको सर एनिमल प्रोवाइड करवा देंगे सर, ठीक है। हाँ जी सर, ओके भाई, धन्यवाद धन्यवाद। तो दोस्तों चार गाय भाई ने दिखाई है, दो सेल के लिए हैं और दो बिक्री हो चुकी हैं। इसी तरह की अगर आपने गाय खरीदनी हो तो आप भाई से संपर्क कर सकते हैं। गाय आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।